great hotel ke bahar apna safri wala mahol. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and strings. You don't understand the pain it brings. Assalam Alaikum dosto, welcome to Ahmed Naeem official channel. Kaise aap log khairiyat se? New hai channel mein to subscribe kar le aur bell ke icon ko press kar de taki nayi videos aur updates aapko mil sake. Acha dosto, is waqt maujood hu Bangkok mein aur Sue 3 pe maujood hu, to maine kaha chale ek jo hai walking tour aapke sath kiya jaye, thoda sa explore karte hain to aapko thoda sa street position bhi dekhen. Abhi after covid shuru ki flights aayi hain to khair chalte hain, pehle streets ka visit karte hain. Street visit of Thailand. अच्छा जी, ये बड़ा मशहूर होता था आपका सुए 3 ग्रेस होटल के बाहर अफरा तफरी वाला माहौल. अब ऐसा कोविड के बाद इतना खास यहाँ पे कोई ऐसा मामला नहीं चल रहा है. शॉप्स वगैरह भी कम हो गई हैं, बंद हैं, कुछ रश भी नहीं है ऐसा, वरना क्या तूफान रश होता था यहाँ पे. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel the BRT ja rahi hai aage upar train. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's ye fruit dete hain kaat ke, bade mazedar fresh fruits hote hain ye. लेबनीज़ रेस्टोरेंट, फार्मेसी वगैरह है. मैं असल में एक्सचेंज देख रहा हूँ, मुझे कुछ डॉलर चेंज कराने हैं. वो एक खुला हुआ तो है मनी एक्सचेंज, रोड क्रॉस करनी पड़ेगी. नहीं, ये सब गलियां रोना तो भरी हुई होती थी, सब खाली पड़ी हुई है. बैंकॉक की ये वो गलियां थी जहां पे शदीद किस्म की रौनक हुआ करती थी, पागलों की तरह लोग होते थे. अब यहाँ पे पुराने वाले अब हालात ही नहीं है. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back from home.
Yeah, it's in Anna Plaza, Bangkok. ये जी रोड जो ग्रेस होटल की तरफ से आ रही है और मैं इस वक्त मैरियट होटल के नीचे हूँ तो बिल्कुल भी क्राउड नहीं दिख रहा मतलब फुटपाथ पे वरना तो यहाँ कंधे से कंधा मिला होता था अब यहाँ पे इस वक्त क्राउड ही नहीं है पब्लिक इस वक्त नहीं है बहरहाल 12 बजने वाले तो बस मैं भी निकल ही रहा था बस खाना वाना खाने इधर आए थे ये जो है नाना प्लाजा वाली रोड है इस पे भी कुछ ऐसा खास नहीं है तो चलते हैं थोड़ा सा टूर को आगे बढ़ाते हैं हाँ जी दोस्तों जहाँ से सफ़र को शुरू किया था उधर ही सफ़र को एंड किया है उसी जगह पे आके तो स्ट्रीट टूर तो हमने यहाँ पे कर लिया है और अरबिक और मुस्लिम हलाल फूड वगैरह और स्ट्रीट भी देख ली कुछ थोड़ा सा जो है नाना प्लाजा का भी बाहर से सरसरी सा व्यू करा दिया अभी बैंकॉक की और थाईलैंड की पुरानी वाली पोजिशन नहीं है लेकिन होपफुली जल्दी जो है चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी लेकिन ये है कि अभी पहले वाली हालात तो टूरिज्म के कहीं भी नहीं है एनी हाउ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अपना ख्याल रखिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में मेरी तरफ से खुदा हाफिज़